फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और बेसन के लड्डू में बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है बेसन, बेसन मैंने 2 कप लिया है। मैं आपको और दिखा देती हूँ क्या चाहिए हमें बनाने के लिए। ये मैंने ली है चीनी, चीनी ये पिसी हुई चीनी है, इसे मैंने 1.5 कप लिया है। और हमें बनाने के लिए चाहिए घी, ये देखिए 1 कप से थोड़ा कम मैंने देसी घी लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने 6 बादाम लिए हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बेसन के लड्डू बनाएंगे। जैसे कि बेसन किसी के यहाँ भुनने लगता है तो पड़ोसियों के यहाँ बहुत ही जल्दी खुशबू पहुँच जाती है, तो हम भी चलिए पड़ोसियों के पास खुशबू पहुँचाते हैं बेसन के लड्डू बना के। कढ़ाई को गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया है। हम सबसे पहले डालेंगे ये देसी घी। देसी घी हमें सारा नहीं डालना है, ये देखिए मैंने इतना देसी घी बचा लिया है। हमेशा लड्डू बनाने से पहले हमें आधा घी ऐड करना चाहिए कढ़ाई में और बचा लेना चाहिए, तो अभी हम इसे बाद में डालेंगे। घी को मैंने डाल दिया है और ये बेसन को मैंने छान लिया है। बेसन को मैंने 2 कप लिया है, इसे हम डालेंगे और अच्छी तरह से बेसन को घी में भून लेते हैं। पहले तो लड्डू ऐसे लगने लगता है, बेसन को घी अब्सॉर्ब नहीं कर पाता अच्छे से, ऐसे इस तरीके का हो जाता है। तो हमें अच्छी तरीके से चलाते रहना है। और बेसन के लड्डू बनाने से पहले आप मोटे टाइप का बेसन होता है आप वही लें, बारीक वाला बेसन ना लें। जो बारीक वाला होता है वो खाते समय मुंह में चिपकता है, और ये हल्का सा मोटा दरदरा वाला बेसन होता है, उससे लड्डू एकदम परफेक्ट तरीके के एकदम हलवाई जैसे और मार्केट जैसे बनते हैं। तो हम आटे को अच्छी तरह से बेसन को भूंज लेते हैं। पहले तो घी बेसन को सारा अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे घी छोड़ने लगता है। तो ये जो हम बेसन को भूनते हैं तो ये हल्का सा गीला होने लगता है, और बेसन भून जाने की एक पहचान होती है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाता है। तो इसे हम भून लेते हैं कलर चेंज होने तक। हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे बेसन को नहीं भूनना है, वरना ये जल जाता है। हमें एकदम धीमी आंच में बेसन को भूनना है, अच्छा सा कलर इसका चेंज करना है। बेसन अच्छी तरह से हमारा भून चुका है, अब हम इसमें बचा हुआ घी भी ऐड कर देते हैं। ये मैंने घी लिया है, इसे भी हम सारा ऐड करके और अच्छी तरह से फिर से बेसन को लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। घी डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला हो जाता है और हमें लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया, तो ये अब कैसे बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, इसे हमें लगातार घी डालने के बाद 1 मिनट तक हमें और इसको अच्छे से चलाना है। ये परफेक्ट तरीके से लड्डू बनने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हमने पीसी हुई चीनी यानी चीनी का भूरा ले रखे हैं उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम 1 मिनट तक इसे इसी तरह से चला के घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें बेसन को भूनने में 7 या 10 मिनट लग जाता है भूनने में अच्छी तरह से बेसन को, और पूरा लड्डू हमें कंप्लीट करने में 28 से 30 मिनट लग जाता है, यानी कि आधे घंटे में हमारा लड्डू अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो ये अच्छी तरीके से हो चुका है, अब हम इसे 1 प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब ये मैंने 1 थाली ले लिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं सारा बेसन, ये देखिए कढ़ाई का, और हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रहे ये। तो इसी तरीके से हम सारा निकाल लेते हैं। सारे बेसन को मैंने थाली में निकाल लिया है, अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसमें चीनी मिलाएंगे। जब तक बेसन ठंडा हो रहा है तब तक हम ये बादाम को 2-2 पीसेस में कट कर लेते हैं। 1 बादाम में 2 पीस हमें कट करना है, कट कर लेते हैं हम बादाम को। देखिए मैंने कट कर लिया है और बेसन भी हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी, बहुत ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, हम इसमें चीनी मिला देते हैं। ये देखिए पिसी हुई चीनी, इसको हम डालेंगे और अच्छी तरह से मिला देते हैं बेसन में। मीठा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा इसमें मिला सकते हैं। जो हमारी बची हुई चीनी है उसे भी हम मिला देते हैं।
बेसन अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और मैं इसे हाथ से टच कर सकती हूँ, छू सकती हूँ। तो अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे। सारे चम्मच का हम इस तरीके से हाथ से निकालेंगे और साइड में चम्मच को रख के हम हाथों से इस तरीके से इसे मिला देते हैं अच्छे से। बेसन परफेक्ट तरीके से लड्डू के लिए तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे इस तरीके से लेकर, और इस तरीके से हम इसके लड्डू बना लेते हैं। लड्डू को मैंने इस तरीके से गोला कर लिया है, और साइज़ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का साइज़ चाहिए। एक बादाम मैंने ये ले लिया है बादाम के टुकड़े को, और इस तरीके से हम लड्डू पर लगा देते हैं। और ये देखिए, देखने से ये बहुत ही ज़्यादा, बादाम को लगाने से देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं, और इसी तरह मैं सारे लड्डू को बना लेती हूँ। साइज आप अपने हिसाब से बनाइए कि आपको किस तरीके से बनाना है। और गोला करना है तो आप ये देखिए, इस तरीके से गोला करिए। इस तरीके से दबाने के बाद अंगूठे से गोला करते जाइए, तो आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाते हैं। लड्डू हमारे सारे बनकर तैयार हैं, आप खुद ही देख लीजिए ये देखने में कितने ज़्यादा अच्छे हैं और एकदम गोल शेप में बनते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए है ना, हूबहू मार्केट के जैसे। तो लड्डू हमारे अच्छी तरीके से बन गए हैं, और आप भी इसी तरीके से बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। तो आज की अगर ये लड्डू की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।